नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है मोहित सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर जंक्शन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पावर ट्रैक कंपनी के 434 डीजल सेवर प्लस ट्रैक्टर के बारे में। लोड मैक्स वेरिएंट है। अभी से ट्रैक्टर के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। 39 HP की फुल पावर के साथ में ट्रैक्टर आता है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी बेहतरीन फीचर यहाँ पे दिए गए हैं। 39 HP कैटेगरी के अंदर ये जो ट्रैक्टर है किस प्रकार से आपके लिए अच्छा विकल्प बन सकता है, चलिए जानकारी जो है प्राप्त आपको करवाते हैं। सबसे पहले इस ट्रैक्टर के डिज़ाइन की बात करी जाए तो फ्रंट लुक आप चेक कर सकते हैं। सामने की तरफ 90 किलो का प्रो बम्पर यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है। पावर ट्रैक कंपनी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। वही जो सामने की तरफ ग्रिल दी गई है सिंपल डिज़ाइन के साथ में दी गई है, जो होल्स हैं एयर सर्कुलेशन के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसे ट्रैक्टर के अंदर जो हेडलाइट असेंबली दी गई है हैलोजन बल्ब के साथ में सिंपल हेडलाइट आपको देखने को मिल जाती है। तो फिक्स फ्रंट एक्सल इसमें आपको देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार की जो एडजस्टमेंट है इसे ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पे नहीं दी गई है। उसके साथ साथ जो फ्रंट एक्सल की क्वालिटी है उसकी अगर बात करी जाए तो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मटेरियल जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा किसान साथियों, इसे ट्रैक्टर के अंदर आपको मैनुअल स्टीयरिंग भी मिल जाएगा, पावर स्टीयरिंग भी मिल जाएगा। दोनों तरह के विकल्प जो है अपनी जरूरत के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। अभी ये जो वेरियंट आप चेक कर पा रहे हैं पावर स्टीयरिंग के साथ में यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो कि सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में आता है। प्लस नीचे की तरफ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बैलेंसिंग रोड का एडिशनल फीचर दिया गया है, जो कि ट्रैक्टर जो स्टेबिलिटी है पावर स्टीयरिंग के अंदर काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। पावर ट्रैक कंपनी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। डीजल सेवर प्लस की ब्रांडिंग आपको दी गई है। वहीं लोड मैक्स वेरिएंट की आपको जो ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ये जो ट्रैक्टर है डीजल सेवर प्लस यानी डीजल की मदद के लिए यहाँ पे बनाया गया है। हाई कैपेसिटी लिफ्ट 1500 किलो की क्षमता के साथ में लिफ्ट इसकी आपको देखने को मिलेगी। और जो हब रिडक्शन है यानी जिसका जो रियर एक्सल है हब रिडक्शन के अंदर यहाँ पे दिया गया है, उसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ पे साइड में जो है देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इसके बोनट की बात करी जाए तो कुछ इस प्रकार से साइड से इसका बोनट आप आसानी से खोल सकते हैं। 2-piece यूनिट के साथ में इसका बोनट आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए इसके इंजन कॉन्फिग्रेशन की बात करी जाए तो इसमें आपको पावर ट्रैक कंपनी का खुद का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 3-cylinder 2339 cc के साथ में यहाँ पे आता है। 39 HP की फुल पावर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। और इसे ट्रैक्टर के अंदर जो डीजल पंप दिया गया है माइको बोश कंपनी का इनलाइन FIP पंप आपको देखने को मिलेगा, जो कि लो मेंटेनेंस रहता है, किसी प्रकार की एक्स्ट्रा समस्या इसके अंदर नहीं आती है। नीचे की तरफ डीजल की सफाई के लिए सिंगल फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ऊपर की तरफ आप चेक करेंगे तो इसे ट्रैक्टर के अंदर आपको वाटर सेपरेटर भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि डीजल के अंदर जो पानी की मात्रा आ जाती है उसको बाहर निकालने का जो है यहाँ पे कार्य करता है। उसके अलावा किसान साथियों, इसे ट्रैक्टर के कूलिंग सिस्टम की बात करी जाए तो इसे ट्रैक्टर के अंदर आपको वाटर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में आप जो है कूलेंट का भी एडिशनल फीचर इसमें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कूलेंट के लिए रिकवरी बोतल है साइड में आपको देखने को मिलेगी, जो कि रिजर्वायर के साथ में यहाँ पे आती है। और इसे ट्रैक्टर के अंदर जो रेडिएटर दिया गया है एल्युमिनियम की जाली के साथ में इसका जो रेडिएटर है आपको देखने को मिलेगा। सामने की तरफ किसी प्रकार की एक्स्ट्रा जाली जो है नहीं दी गई है, सिंपल जाली के साथ में ही जो ट्रैक्टर आता है। उसके साथ साथ में किसान साथ ही इसे ट्रैक्टर के अंदर आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है। उसकी ऑयल की सप्लाई के लिए सेपरेट कंटेनर आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ऑयल की सप्लाई सेपरेट होने से जो लुब्रिकेशन है ऑयल के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से बना रहता है और किसी प्रकार की समस्या जो है पावर स्टीयरिंग के पंप के अंदर नहीं आती है, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसे ट्रैक्टर के अंदर आपको केयर बटन एडिशनल फीचर देखने को मिलेगा, जो कि 24x7 आप जो है किसी भी टाइम जो है इस बटन की सहायता से अगर ट्रैक्टर के अंदर समस्या आ जाती है या फिर रात के समय है दिन के समय आप ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं, उसका समाधान जो है इस बटन की सहायता से जो है पा सकते हैं। ये जो बटन है आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लगाया गया है, जो कि एस्कॉर्ट ग्रुप के जितने भी ट्रैक्टर्स हैं, चाहे फार्म ट्रैक हो, पावर ट्रैक हो, डीजी ट्रैक हो, सबके अंदर यहाँ पे एडिशनल बटन जो है केयर बटन देखने को मिल जाता है। टूल बॉक्स का यहाँ पे जगह जो है आप चेक कर सकते हैं आगे की तरफ दिया गया है। मेटल बॉडी के साथ में इसका जो टूल बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म की अगर बात करी जाए तो आप चेक कर सकते हैं इसका जो प्लेटफॉर्म है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ में जो ट्रैक्टर आता है तो इसमें जो है जो प्लेटफॉर्म है इसका जो गियर बॉक्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा, तो किसी प्रकार का एक्स्ट्रा स्पेस जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है। सिंपल डिज़ाइन है, किसी प्रकार का एडिशनल फीचर इसमें नहीं दिया गया है। ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए इसमें आपको सिंगल फुटस्टेप देखने को मिलेगा, इसकी सहायता से आप जो है काफ़ी आसान तरीके से जो प्लेटफॉर्म पर चढ़ पाएंगे। और इसे ट्रैक्टर के अंदर जो सीट दी गई है फुली एर्गोनॉमिक शेप के साथ में सीट आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा किसान साथियों, जो सीट है उसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, कंफर्टेबल काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में ये जो ट्रैक्टर है सिंगल क्लच के साथ में आता है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो पैडल है क्लच का वो भी आपको पुश पैडल देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा किसान साथियों, इसके PTO स्पीड की बात करी जाए तो इसमें आपको सिंगल स्पीड देखने को मिलेगी, जो कि 540 rpm की जो स्पीड है इसे ट्रैक्टर के अंदर आसानी से आप जो चला सकते हैं।
उसके अलावा इसे ट्रैक्टर के गियर स्पीड की बात करी जाए तो इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स की स्पीड के साथ में गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा जो कि फुली कॉन्स्टेंट मैच ट्रांसमिशन के साथ में आता है। वहीं अगर इसके मीटर कंसोल की बात करी जाए तो कुछ इस प्रकार से मीटर कंसोल आपको देखने को मिलेगा। छोटी सी डिस्टेंस स्क्रीन में आपको बीच में दी गई है जहाँ पे आप ट्रैक्टर के घंटे चेक कर सकते हैं। बीच में आरपीएम मीटर दिया गया है। उसके अलावा किसान साथियों आगे बढ़ते इस ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग प्लस इंजन साउंड की बात करी जाए तो आप चेक कर सकते हैं सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है। वहीं इसे ट्रैक्टर के टर्निंग रेडियस आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन इसका टर्निंग रेडियस आपको देखने को मिलेगा। दूसरी साइड से अगर बात करी जाए आप चेक कर सकते हैं और इंजन का जो साउंड है काफ़ी मक्खन साउंड ट्रैक्टर का आपको जो है देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ में इसका जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया है काफ़ी बड़े साइज में आपको देखने को मिलेगा जो कि ऑपरेट करने में किसी तरह की समस्या आपको नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हुए मीटर कंसोल की बात करी जाए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका जो मीटर कंसोल है इसमें छोटी सी डिजिटल स्क्रीन इसमें आपको देखने को मिलेगी जिसमें ट्रैक्टर के घंटे आप चेक कर सकते हैं। बीच में आरपीएम मीटर दिया गया है। साइड में ट्रैक्टर के इंजन का जो टेम्परेचर है वो आप चेक कर सकते हैं। डीजल कितना है वो आसानी से जो आप चेक करके जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा बैटरी से जुड़े संकेत और इंजन से जुड़े संकेत आपको नीचे की तरफ नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाती है। उसके अलावा किसान साथी उसकी हाइड्रोलिक कंट्रोल की बात करी जाए तो आप चेक कर सकते हैं। फुली एर्गोनॉमिक शेप के साथ में इसकी हाइड्रोलिक के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी ग्रिप के साथ में यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं जो कि उपयोग करने में किसी तरह की समस्या आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हुए ब्रेक की बात करी जाए तो इसमें आप चेक कर सकते हैं तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक इसमें देखने को मिल जाते हैं जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे बोनट के ऊपर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहने वाला है। उसके साथ में किसान साथियों इसे ट्रैक्टर के अंदर जो लिफ्ट दी गई यानी जो हाइड्रोलिक दी गई है सेंसी इंडियाज नंबर 1 लिफ्ट आपको देखने को मिलेगी जो कि 1500 किलो की क्षमता के साथ में यहाँ पे आती है। और इसे ट्रैक्टर के अंदर जो रियर एक्सल दिया गया है हब रिडक्शन सिस्टम के साथ में इसका रियर एक्सल आपको देखने को मिलेगा। हब रिडक्शन होने से पीछे की तरफ वेट भी बना रहता है और ट्रॉली के कार्य के लिए काफ़ी उपयोगी है जो ट्रैक्टर आपके लिए रहने वाला है। जो स्टेबिलिटी है काफ़ी अच्छी इसमें आपको देखने को मिलेगी। वही अगर हाइड्रोलिक की लिंकों की बात करी जाए तो आप चेक कर सकते हैं काफ़ी लंबाई के साथ में इसकी हाइड्रोलिक की लिंकें आपको देखने को मिलेगी जो कि जो इसका जो रियर एक्सल है उसकी असेंबली आगे की तरफ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। उसी तरह से इसका जो हाइड्रोलिक की लिंकें हैं उसके हिसाब से लंबी यहाँ पर जो लंबाई है काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। सेंसिंग पॉइंट की बात करी जाए तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं टोपलिन के 3 सेंसिंग पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। हार्ड मिट्टी, मीडियम मिट्टी और सॉफ्ट मिट्टी के लिए अलग से यहाँ पे जो है फीचर आपको देखने को मिल जाता है। और जो पीटीओ की साफ्ट दी गई है 6 स्प्लाइन वाली पीटीओ की साफ्ट इसमें आपको देखने को मिल जाती है। रोड की सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर दिया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। वहीं इसे ट्रैक्टर के अंदर आपको सिंगल टीटी पाइप नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। जो टिपन ट्रेलर पाइप है सिंगल आपको देखने को मिलेगा ट्रॉली वगैरह का जैक उठाने के लिए काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहने वाला है। आगे बढ़ते हुए इसे ट्रैक्टर के अगर मैक्स पीटीओ पावर की बात करी जाए तो 25.9 किलोवाट की मैक्सिमम पावर जो है इसे ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाती है। उसके अलावा किसान साथियों इसे ट्रैक्टर की कीमत की अगर बात करी जाए तो हरियाणा के भिवानी जिले में इसे ट्रैक्टर की जो ऑन रोड कीमत है 570,000 से 590,000 के ऑन रोड प्राइस पर यहाँ पर इसको आप खरीद सकते हैं। कौशिक ऑटोमोबाइल्स के नाम पर डीलरशिप जो आपको देखने को मिलेगी। संपर्क आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाते हैं, उनसे संपर्क करके काफ़ी अच्छी डील जो है अपनी जरूरत के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी सर्विस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर 39 HP कैटेगरी के अंदर किसी अदर कंपनी के ट्रैक्टर के साथ में इसे ट्रैक्टर का कंपैरिजन आपको करना है तो tractorjunction.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रैक्टर जंक्शन का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आसानी से जो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ में किसान साथियों ये जो ट्रैक्टर है 39 HP कैटेगरी के अंदर एक काफ़ी अच्छा उपयोगी विकल्प जो आपके लिए बनने वाला है क्योंकि ट्रॉली के काम के लिए इसमें आपको हब रिडक्शन सिस्टम दिया गया है जो कि आपके लिए खिंचाई के अंदर काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस ट्रैक्टर का देखने को मिलेगा। उसके अलावा ऐसी ही जानकारी भरी रोचक वीडियो को देखने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।